की सरकार विरोधी वह अपने हितों की रक्षा के लिए डाक कर्मचारियों की 8 और 9 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल के कारण प्रधान डाकघर इसके अंतर्गत आने वाले इस कारण आज प्रधान डाकघर सहित कार्यालय भी हड़ताल मुख्य रूप से पेंशन योजना को समाप्त करने कर्मचारियों पुरानी पेंशन किसी तरह का उनको लेके हमारी वार्ता भी हुई है लेकिन विफल हो गई। इसके बाद हमारी यूनियन ने स्ट्राइक करने के लिए 8 और 9 जनवरी को और डिवीजन में 9 व्यवस्था ठप हुई है और 9 तारीख को भी हड़ताल यथावत रहेगी। इस तरह से पूरे बूंदी जिले में हड़ताल सफल रही। यह हड़ताल अखिल भारतीय डाक कर्मचारी यूनियन ग्रुप सी के दो तले की गई। भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में भी 2 दिवसीय हड़ताल रही। कार्यालय में किसी भी कर्मचारी ने कामकाज नहीं किया। कार्यालय के बाहर ताला लगा रहा जिसको मंडल में सचिव राजकुमार शर्मा ने संबोधित किया। वह डाक विभाग के कर्मचारी राम बाबू शर्मा मनोज जैन पवन जैन बाबूलाल मीना पुष्पेंद्र टेलर राम प्रसाद वर्मा महावीर कारपेंटर गंगा सिंह मदनलाल गोपाल सिंह सागर लक्ष्मी चंद्रामा बचेत्राम नागर अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।